रणबीर अदरीजा के साथ कितना खुश है। रणबीर को मेघला पसंद है, लेकिन बाजवा फैमिली तो अदरीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनकी एंगेजमेंट पे जा ही रहे, वहाँ जाके सब पता चलता है। पता है, मैंने मेघला को रणबीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अदरीजा तो रणबीर से प्यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। रणबीर सब आएंगे देखने कि आखिर किसका नाम जुड़ेगा रणबीर के साथ। गुम दिल का रब रखा दिवाली महासंगम इस रविवार शाम 6:30 बजे से स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। सुन, तुझे याद है ना तुझे क्या क्या करना है? हाँ मामा, मुझे याद है। उस सड़ियल के कमरे में जाकर जो आपने कहा है वो लेके आना है। वेरी गुड, लेकिन अब ये सड़ियल सड़ियल बोलना बंद कर, समझा? किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें 0 पॉइंट्स मिलेंगे, समझा? मुझे सब मालूम है और याद भी है। हम जो ले आए आजाद लेके चल जाएगी। आप फिक्र मत करो मम्मा, अगली बार कोई गेम खेलना है तो मैं लड़की नहीं बनूंगा। ओके ओके, नहीं बनाऊंगी। अब चल 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 चल। वहाँ जा, मैं तब तक कॉरिडोर में वेट करती हूँ तेरा। हाँ, और ध्यान से लेकर आना सब कुछ, जा। अरे रामकली जी। मैन साहब, वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैंने सोचा ऊपर थारे कमरे में आकर पूछ लूँ कि काम क्या क्या है। अरे कोई बात नहीं, अभी वहाँ रहने दो, नीचे आ जाओ, हम लोग किचन में ही काम है। जी जी, अभी आए। सुन, जल्दी जा जा जा। चलो नीचे आ जाओ। हमें जो चाहिए वो माधव को मिल जाए बस। माँ ने कहा था कि बहुत ही सीक्रेट गेम है, चीजें ढूंढनी है। कैसा गेम है जिसके लिए दिल्ली आना पड़ा? क्या कहा था माँ ने? उसका टूथब्रश। ये सड़ियल का तो बाथरूम इधर है। अरे वाह, तो आपको खाना बनाना आते है? सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ये। वैसे तुम क्या क्या बना लेती हो? सब कुछ, आप जो बोलो। अच्छा, तो कटहल तो काट लोगी ना? कटहल? हाँ, राघव को ना बहुत पसंद है कटहल, इनका फेवरेट है। बहुत फेवरेट नहीं है, सबसे फेवरेट है। तुम्हें क्या पसंद है? बिरयानी, रायता, कटहल। कटहल भी बहुत पसंद है। कटहल की सब्जी कौन खाता है? मैं खाता हूँ, हफ्ते में 2 बार। सिर्फ
कटहल काटना ही ना आवे। कोई बात नहीं, कटहल मैं काट दूंगा। अरे मेन साहब, मेन साहब आप पेट से हैं, आप रहने दीजिए। अरे मारे को दीजिए, मैं कर लूंगी। इनमें से सड़ेल का ब्रश कौन सा है? चलो दोनों ले लेता हूँ। वाह साहब, मर्द होकर औरतों वाला काम, खाना बनाना तो औरतों का काम है। मैं ये सब बातों को नहीं मानता। और आपको किसने कहा कि किचन में सिर्फ औरतें ही काम कर सकती हैं, मर्द नहीं? जब एक मर्द और औरत एक घर में रह सकते हैं तो उनको अपना काम भी बांटना चाहिए ना। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी औरत की तबीयत खराब हो या किसी वजह से वो किचन का काम नहीं कर पा रही हो, तो ये मर्द की जिम्मेदारी बनती है कि उसके काम में हाथ बटे। ताकत हाथ में नहीं, हौसले में होती है, और इसमें कोई औरत किसी मर्द से कम नहीं। पत्नी और पति के फर्ज में कोई फर्क नहीं होता। दोनों का फर्ज होता है कि वो एक दूसरे से प्यार करें। पत्नी हो तो ये सब चीजें करेगी, पति हो तो ये सब चीजें करेगा, नहीं ऐसा कभी नहीं। और तुम खुद ही को देख लो, एक छोटी सी बच्ची को तुम अकेले पाल रही हो और बहुत अच्छे से पाल रही हो। आजाद रहना सीखना चाहिए औरतों को। प्यार और शक में बाजी लगी थी, शक ने बाजी मार ली। अरे रुको, मैं बैंडेड लेकर आती हूं। इसमें डालिए। लाओ मैं लगा देती हूँ। किचन में इतनी लापरवाही से काम करोगी तो काम कैसे करोगी? आज हाथ काट लिया है, प्लीज थोड़ा ध्यान से काम करो तुम। उस सड़ियल का हेयर ब्रश और कुछ खाया हुआ। जितनी चीजें ढूंढूंगा उतने पॉइंट्स बढ़ेंगे। सैंडविच, वो भी आधा खाया हुआ। ये गेम तो मुझे जीतना ही है।
माथा गंदी वाली बड़ी माँ। माथा ध्यान रखो। मम्मी 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 ठीक हो आप? हाँ लगी क्या हुआ हमारे बच्चे को? माधवी तू ठीक है ना? क्या हुआ सर? कुछ गिरने की आवाज आई और बच्चे की चिल्लाने की भी। पर ये माधवी ऊपर क्या कर रही थी? इसके पास ये बैग, बैग में क्या है? मैंने पहले ही कहा था ये चोर है। लक्ष्मण अच्छी है वो, ये सब चीजें चुराएगी। बेटा आप इन सब चीजों का क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहा था इसलिए। गेम खेल रहे थे? किसने कहा आपको कि इससे गेम खेला जाता है? साहब मारे मारे बेटे की कोई कोई गलती ना है इसमें। वो इसकी नानी है ना, घर के सारे कामकाज सिखाती है तो इसीलिए खेल रही होगी। माफ कीजिएगा लेकिन मेरी बच्ची चोर नहीं है। आप ऐसे रवीश आप विविधा दिल्ली में क्या कर रही है? माँ बहुत लंबी कहानी, दरअसल माधवी को जरूरी टेस्ट कराने थे, इसके लिए डीएनए सैंपल चाहिए था। विविधा दिल्ली इसी लेकिन आपको कैसे पता कि विविधा दिल्ली में इस वक्त? वो तो आपके जाने से पहले निकल गई थी। वो उमा जी से बात हुई थी मेरी, शायद उन्होंने ही बताया होगा। वो सब छोड़ मैंने तो बस इसलिए फोन किया था कि पूछ लूं सब कुछ ठीक है ना। चल रखती हूँ। जी मैम। ठीक तब जब मुझे लगा कि मैंने इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया है, ये मेरी ही नाक के नीचे अथर्व के साथ एक ही छत के नीचे आ पहुंची। ये मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दे। कैसे इससे छुटकारा पाऊं? कैसे निकालूं इसे इस घर से? घबरा गई है, तुम इसे अंदर कमरे में लेकर जाओ। चलो। डीएनए सैंपल्स लेने का मौका आज हाथ से निकल गया। इसका मतलब इस घर में कुछ देर और रुकना पड़ेगा। डीएनए सैंपल्स दे बगैर मैं नहीं जाऊंगी।
इसका हाथ पकड़ते ही मुझे ऐसा क्या महसूस हुआ? क्यों महसूस हुआ? क्या था वो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।